Namaste and welcome to my channel. I hope all of you are doing very well. Let's get started with the video. Today I am going to share a few of Home Center, Nest Asia and Ajio home and kitchen items that I recently bought. पिछले दो साल से मैं अपने अपार्टमेंट के विंडोज में देख के रेडी होती हूँ. सो आई थिंक इट वॉज वेरी हाई टाइम कि मैं एक फुल लेंथ मिरर खरीद लूँ एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट. इसका कलर वाइट था सो इसको पॉप करने के लिए मैंने बैकग्राउंड में एक ब्लैक मंडाला आर्ट लगाया है एंड आई जस्ट यूज्ड अ कलरफुल रग ऑन द बॉटम टू जस्ट पॉप इट्स कलर. साइड में मैंने एक स्नेक प्लांट एंड पाम रखा है एंड दिस इज द फाइनल लुक. यूजुअली मैं एजियो से कपड़े ही ऑर्डर करती हूँ बट रिसेंटली सेल में आई सॉ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड इंडिया सर्कस. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस ब्रांड बट आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग इट. दिस इज अ मग. इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रियल में इट्स इवन बेटर. आई ऑर्डर्ड दीज टू शैम्पेन ग्लासेस फ्रॉम द सेम ब्रांड. Now these have been in my wishlist forever and I just fell in love with them the moment I took them out from the packaging. Itne zyada cute hai, I cannot tell you how happy I was when I saw these. Now Nest Asia is a brand jo maine already pehle bhi try kiya hua hai. I knew the quality was going to be superb. I wanted these golden looking cutlery sets and मैंने Amazon पर भी देखा था but they were just a little too pricey and I was not sure about the quality. Hence I went for Nest Asia. Next is something which is so very different. I recently started using chopsticks. इससे पहले मुझे नहीं आता था use करना and I wanted to buy a chopsticks stand and this is just so cute. I cannot believe it. Next is a set of two plates. I think I was just lacking a good dinner plate. अभी तक मैं स्टील की प्लेट्स ही यूज़ करती थी. So yeah, this is an upgrade for me for sure. Both of these plates do not come as a set. मैंने उन्हें separately order किया था but they are from the same brand. To be honest with you, जब मैं ये प्लेट खोल रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था. I was not sure कि मैं इसे मेंटेन कर पाऊंगी या नहीं बिकॉज आई ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम जस्ट होपिंग टू गॉड दैट आई डू नॉट ब्रेक दिस स्टफ. नेक्स्ट मैंने लिया ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड मग जो कि 600 रुपीज का है. दिस वेरी क्यूट डिश इज फ्रॉम मार्केट 99. आई थिंक स्नैक्स एंड फ्रूट सर्व करने के लिए इट विल बी सो परफेक्ट. फाइनली आई एम ओपनिंग द बिगेस्ट बॉक्स जो आया था होम सेंटर से. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं होम सेंटर की प्लेट्स एंड क्रॉकरी ट्राई कर रही हूँ. दिस क्यूट लिटिल प्लेट रिप्रेजेंट्स माई कम्बाइंड लव ऑफ द कलर ग्रीन एंड पेस्टल्स. नेक्स्ट मैंने ये कप का सेट लिया है विच इज़ इन दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर. आई मीन हाउ गॉर्जियस इज दिस. नेक्स्ट इज दिस डिप बॉल. इसको मैंने केचप एंड चटनी रखने के लिए मंगाया था बट इट वॉज वेरी वेरी ओवर प्राइज. जब भी मैं होम सेंटर के ऑफलाइन स्टोर्स में जाती थी देन दिस प्लेट ऑलवेज यूज टू कैच माई आई. इट हैज़ दिस क्यूट पोलका डॉट पैटर्न एंड आई रियली लाइक इट. आई कांट वेट टू स्टार्ट यूजिंग देम. सो जल्दी से मैंने धुल के सुखा लेती हूँ. पिछले दो दिन से काफ़ी बारिश हो रही है एंड द वेदर इज सो नाइस. आई विल स्टार्ट माई डे विद अ वार्म कप ऑफ टी. जब भी आई हैव अ नॉन स्वीट और अ बिटर टी I always pair it with something sweet. Aaj ke liye I'm taking apples. Also having this nicely toasted bread with butter.
I love bread and butter so much, maybe because of nostalgia. When I was a kid, I would always eat this as a breakfast on Sundays, and that would be my happy meal. It's already time for lunch, and I'm having palak today. I want to use as much palak as I can. मैं पालक पनीर से थोड़ा बोर हो गई हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू थिंक डिफरेंट रेसिपीज जिससे मैं पालक को यूज़ कर सकूँ. टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ चीला, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट अनियन मैं उसमें बहुत सारा पालक भी ऐड करूँगी. आई मिक्स एवरीथिंग इन द बोल, पालक, प्याज और बेसन. आई ऐड सम सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च एंड गर्म मसाला टू इट. The moment right before I flip anything, be it an omelette or chila or a pancake, I'm always so nervous. Is par ye bachega ya fir fatega? Okay, so I was trying to make muradabadi dal, but isko bahut zyada der tak khulana padta hai taki iski consistency ekdam mash ho jaye. I'll try it again someday, but for now adding tadka and butter and lemon. जल्दी से सब कुछ सर्व कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. चीले के साथ मुझे केचप बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ पेरी पेरी फ्लेवर्ड केचप जो मैंने रिसेंटली ट्राई किया, एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. ठंडे मौसम में कुछ भी गरम गरम ऐसे मिल जाए तो एकदम वार्म हग की तरह लगता है. शाम हो गई है और मुझे फिर से भूख लग गई, एंड इट्स टाइम टू मेक माय फेवरेट ड्रिंक ऑफ ऑल टाइम. मैंने सॉ दिस मग ऑनलाइन, मुझे पता था आई एम गोइंग टू मेक रूअर्स इन दिस एंड इट विल लुक सो डैम प्रेटी. जस्ट लुक एट दैट ब्यूटिफुल रेड. मैंने बहुत टाइम से ढोकला भी नहीं खाया था, सो आई ऑर्डर्ड दैट एज वेल, एंड दिस पेयरिंग ट्रस्ट मी वाज रियली गुड. टाइम फॉर डिनर, एंड फिर से मैंने कुछ भी नहीं बनाया एंड ऑर्डर किया बिकॉज आई एम सो बिजी विद वर्क टुडे. ये चॉपस्टिक स्टैंड इतना क्यूट है इन द शेप ऑफ अ पी, आई जस्ट वांट टू ईट इट. मेरा एकदम क्लासिक ऑफिस का लुक, ओवरसाइज टी शर्ट, ओवरसाइज जीन्स एंड माई कम्फी सैंडल्स. आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड आई केम टू सी माई सब्सक्राइबर्स काउंट. I just want to say thank you to everyone जिसने view किया, subscribe किया and appreciate किया मेरे hard work को. This means so much. Thank you. Coincidentally, मेरी मम्मी and भाई आए थे to celebrate this milestone with me. As usual, I'm just going to the mall and I'll watch a movie and grab something to eat. हमारे ऑटो वाले भैया ने तो एकदम ही ऑटो को खतरे के खिलाड़ी में पहुंचा दिया था, पता नहीं कहां से निकाल के ले जा रहे थे. पहुंचते ही मम्मी ने मुझे अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना दिया. एनीवेज, आई ट्राइड दी चीज लोडेड फ्राइज फ्रॉम बेल्जियन फ्राइज एंड दे वर क्वाइट नाइस. आई केम टू मार्केट 99, यहाँ पे ये ट्रैवल वाला वास मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं लेने दिया बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मेरे दोनों हॉल वीडियोस देख लिए थे.
मूवी से पहले वी हैड डबल चीज़ पिज़्ज़ा फ्रॉम शिकागो पिज़्ज़ा आई थिंक आई रियली लाइक दिस वन बट इसमें थिन क्रस्ट वाला ज़्यादा बेटर लगता है. क्विक ओटीडी इन द बाथरूम. आई एम वेयरिंग अ फुल स्लीव ड्रेस. मैं ऑलवेज फुल स्लीव पहनती हूँ जब वॉचिंग अ मूवी बिकॉज बहुत ठंडा हो जाता है हॉल में. नेक्स्ट डे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू लंच के लिए. माई ब्रदर हैज दिस कंडीशन कि वो तभी आएगा अगर मैं उसे बारबेक्यू ले जाऊँगी. तो माय मॉम एंड आई जस्ट लव अमृतसरी कुलचा. खूब सारा मक्खन मार के वी हैव अ प्लान टू गो टू अमृतसर एंड देन ट्राई द ओरिजिनल. Although it's been almost 12 years since I left home, but we still get teary-eyed whenever we're saying goodbyes to each other.